आज पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के सामने पहुंच गया है कि बजट वाले एटीएम से सरकार नोट निकलवाने की तैयारी में है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है, जिसमें विपक्ष और सरकार आमने सामने है। सरकार 1 फरवरी को बजट लाने की तैयारी में है, ऐसे में विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल रहा है, ये कहते हुए कि इस बजट के जरिए सरकार वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह मामला गर्मा गया है कि चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। दलील यह है कि 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में वोटिंग होनी है, ऐसे में 2 राज्यों में वोटिंग से 3 दिन पहले बजट के जरिए केंद्र सरकार लोकल भवन योजना के जरिए वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। जैसे 2012 में हुआ था, उन चुनाव को देखते हुए बजट सेशन चुनाव के बाद कर दिए गए थे, तो वैसे अब किस बार भी बजट सेशन को चुनाव के बाद करना चाहिए। एक प्रेसिडेंट मौजूद है, क्योंकि बजट सेशन में कुछ घोषणाएं करेंगे उससे वोटर प्रभावित होगा। लेकिन सरकार विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इतिहास का हवाला दिया। जेटली का कहना है कि 2014 में चुनाव से पहले आंतरिक बजट पेश किया गया था, तब तो किसी को आपत्ति नहीं थी, तो अब क्यों है? जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान है? ये हर बार की परंपरा तो है नहीं, मतलब लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। मतलब 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ? हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। ये मसला चुनाव आयोग की निगरानी तक पहुंच गया है। आयोग का कहना है कि विचार किया जा रहा है और सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। The commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties. And this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation. And in due course of time, we'll take an appropriate call on this.